हे गाइस वेलकम बैक। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीर दास की लाइन सब ने सुनी होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे एक स्मार्ट गोल सेट करते हैं, राइट? लेकिन क्या हो कि आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन एक दिन, दो दिन, चार दिन या एक महीने काम करने के बाद आप उस गोल से हट गए, क्या रीज़न है? रीज़न है आपकी टाल मटोली की आदत, यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब कि आज का काम आप कल पे छोड़ते चले जाते हो। चाहे आप कितना भी अच्छा गोल बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर आपके अंदर टाल मटोली की आदत है, यानी कि आप आज का काम कल पे छोड़ते हैं, कल का काम परसों पे छोड़ते हैं, तो एक बात नोट कर लो कि आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और इससे होता क्या है, अगर आप आज का काम कल पे डालते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको प्लेजर मिलेगा, आपको फील होगा कि अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे चल के वही प्लेजर जो शॉर्ट टर्म प्लेजर था आपके स्ट्रेस में बदल जाएगा। चिंता, दुख, हताशा आपको चारों तरफ से घेर लेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, एंड दैट इज योर प्रोक्रास्टिनेशन, या कहूँ कि आपका आलस। सो आज हम बात करेंगे कि आलस को कैसे दूर किया जाए, और अगर आलस दूर हो गया, अगर हम अपने काम पे, अपने गोल्स पे स्टिक हो गए, तो लाइफ में ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम बात करेंगे पांच सॉल्यूशंस पे। इन पांच सॉल्यूशंस की हेल्प से आप लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन या आलस को या टाल मटोली की आदत को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। नंबर वन, सेट गोल्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी बात भी की है कि कैसे एक स्मार्ट गोल सेट करते हैं, चाहे वो गोल आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे वो गोल आपके हेल्थ के लिए हो, या किसी पर्सनल अचीवमेंट के लिए हो। इसी गोल वाले टॉपिक में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमने बात करी बिजनेस गोल्स, हेल्थ गोल या फिर कोई पर्सनल अचीवमेंट के बारे में, लेकिन क्या इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में छोटे मोटे काम नहीं पड़ते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट? लेकिन क्या इन सब के अलावा हम अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम नहीं करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑफिस में हैं तो आज आपको इतना काम करना है, राइट? वो जस्ट एक छोटा सा काम है, लेकिन उस आज के काम को आपने कल पे डाल दिया। अब देखिए इससे होता क्या है, एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि इससे होगा ये कि उस एक काम की वजह से जो आपने एक बड़ा गोल बना रखा था, भले ही वो स्मार्ट गोल था, लेकिन उस एक काम की वजह से उसमें डिले होगा। अब एक बार उसमें डिले होगा, फिर ये डिले होने का सिलसिला कंटिन्यू चलता जाएगा। इसकी वजह से जो आपने एक बड़ा गोल सेट कर रखा था वो पूरा नहीं होगा, और वापस अगर गोल पूरा नहीं होता है तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी वापस आपकी लाइफ में आ जाएगी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे छोटे छोटे कामों की। सबसे पहले जो भी आपके बड़े गोल्स हैं उन्हें आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए कि आज यानी इस घंटे में ये करूँगा, इस घंटे में ये करूँगा, इस घंटे में ये करूँगा। अगर इस तरह से आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप उस पर काम करने लग जाएंगे, और एक बार आपने छोटे छोटे गोल अचीव कर लिए, आई एम डैम श्योर कि आप बड़े गोल भी ऑटोमेटिकली अचीव कर लेंगे। नंबर टू, आलस छोड़ने से आप क्या हासिल कर सकते हो? जैसे ही आप कोई काम करने बैठते हो, एक छोटा सा काम, लेकिन अगर आपका मन करे कि इस छोटे से काम को मैं कल कर लूंगा, जैसे ही ये ख्याल आपके माइंड में आए, तुरंत आप सबसे पहले ये सोचो कि आप प्रोक्रास्टिनेशन या आलस को क्यों छोड़ना चाह रहे थे, इसके पीछे की कहानी क्या थी। अपने आप एक आंसर आएगा कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, और जहां आपके माइंड में यह ख्याल आया कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, अपने आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आलस दूर भाग जाएगा। नंबर थ्री, एस्टैब्लिश अ रूटीन। मतलब कि एक रूटीन सेट करना। गाइज, दिस इज़ माई फेवरेट। मैंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ढेर सारे वीडियोज़ देखे हैं, और ना जाने कितनी आर्टिकल्स पढ़े, और ना जाने सक्सेस पे कितनी सारी नहीं और सक्सेस पे ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लाइफ में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। बस यहाँ पे एक नॉलेज का भंडार हो गया था, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई सेट रूटीन नहीं था। और जब लाइफ में एक सेट रूटीन नहीं होगा तो टाल मटोली या फिर आलस अपने आप आ जाएगा। तो अगर आपको आलस से छुटकारा पाना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले एक रूटीन बनाइए।
कुछ तकलीफ होगी कुछ दिन तक फॉलो करने में, लेकिन एक बार आपका रूटीन सेट हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप यही चीज़ करोगे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप यही चीज़ करोगे, तो डेफिनेटली आलस दूर हो जाएगा और लाइफ में आप आगे बढ़ जाओगे। नंबर 4, सबसे पहले वो काम करो जो सबसे ज़्यादा बोरिंग हो। मान लो आप कोई जॉब करते हो और उस पर्टिकुलर जॉब में कुछ ऐसा भी काम आता है जिसको करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब ज़रा सोचो, अगर कोई काम करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्या उस काम को आप उस टाइम कर पाओगे? यहीं से टाल मटोली की आदत जन्म लेती है जो आगे चल के धीरे धीरे बढ़ती रहती है। सो आपने लाइफ में एक बड़ा गोल बनाया कि मुझे ये करना है, और आपने उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड भी कर लिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये काम सबसे ज़्यादा बोरिंग है, तो उस दिन उस काम को सबसे पहले करो और यहीं से आपका आलस दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 5, जस्ट डू इट। कई बार जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो और अगर उस काम को आपने थोड़ा सा डिले किया, तो माइंड में हज़ारों एक्सक्यूजेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल, जब आप सुबह उठते हो, जैसे आपका अलार्म बजता है और अगर आपने 5 सेकंड से ज़्यादा सोचने का टाइम लिया, तो माइंड आपको 1000 रीज़न देगा ना उठने का। तो जस्ट डू इट का मतलब यह है कि जैसे ही आपको कोई काम करना है, अगर आपको भले ही डाउट हो कि ये काम सही होगा या नहीं, बट आप उसे तुरंत कर डालो। जैसे ही आप उस काम को डिले करेंगे, माइंड आपको 1000 रीज़न दे देगा कि उस काम को करना सही नहीं है। सो जस्ट डू इट। वेल, ये थे वो 5 स्टेप्स जिनकी हेल्प से आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी आलस को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये काम करो और बदले में मैं आपको कुछ भी ना दूँ, यानी बस आपको वो काम करना है, क्या करोगे? आप वो काम छोड़ के भाग जाओगे, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये काम कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या मैं बोलूँ यार मेरा एक छोटा सा काम कर दे, इसके बदले में तुझे ट्रीट दूंगा, पार्टी दूंगा, अब आप वो काम ज़रूर कर दोगे अगर वो काम छोटा सा होगा तो। ऐसे ही जब आप छोटे छोटे स्टेप्स पे काम कर रहे हो, कोई भी छोटा मोटा गोल हासिल कर रहे हो, तो उसे सेलिब्रेट करो, अपने आप को इंसेंटिव्स दो, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके छोटे छोटे फिर बड़े बड़े गोल्स पूरे होते जाएंगे, इंसेंटिव भी उसी हिसाब से बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आ गई होंगी। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।